ऐतिहासिक रिज मैदान की लगातार धस रहे एक हिस्से को दरकने से बचाने के लिए नगर निगम पुख्ता इंतजाम कर रहा है। निगम महापौर कुसुम सदरेट ने बताया कि रिज मैदान को धसने से बचाने के लिए यह रिटेनिंग वॉल लगाई जा रही है, जिसका कार्य भी शुरू हो चुका है। उन्हें कहा कि बारिश के कारण काम बाधित हुआ है और मौसम सामान्य होते ही रिटेनिंग वॉल का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। हर साल बरसात में रिज मैदान का एक हिस्सा दरकता जाता है। इस मर्तबा भी बरसात के दौरान रिज मैदान के इस हिस्से को काफी क्षति पहुंची है। हालांकि नगर निगम हर बार यहां पड़ी दरारों को मात्र सीमेंट की मरहम लगाकर भरने का काम करता है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया था। लेकिन अब नगर निगम ने इसे दरकने से बचाने के लिए स्थायी समाधान ढूंढ निकाला है। निगम महापौर कुसुम सदरेट ने कहा कि रिज मैदान की दरकने वाली जगह पर रिटेनिंग वॉल लगाई जा रही है, जिसका कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण काम में रुकावट आई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मौसम सामान्य होगा कार्य शुरू करवा दिया जाएगा, जिससे इस जगह पर मजबूती आएगी और इसे दरकने से बचाया जा सकेगा। नगर निगम ने तो बहुत पहले ही इसका प्रयास करना शुरू कर दिया था कि इसको धंसने से कैसे बचाया जाए, लेकिन आप जानते हैं कि हर साल नगर निगम ये जो है रिज धंसता है, और उसमें जो हर साल ये होता है कि उसमें जो है थोड़ा सा पैच वर्क करा के उसको जो है लेवल करा दिया जाता है और ठीक करवा दिया जाता था। लेकिन इस बार हमने जो है कोड ऑफ कंडक्ट से पहले पहले जो हमने इसके लिए एक प्रावधान रखा था, हमने उस टाइम इसको 35 लाख रुपये रखा था इसके लिए कि हर बार जो इस तरह की दिक्कत आ रही है, इस तरह की दिक्कत ना आए बार बार, तो उसके लिए हमने 35 लाख का प्रावधान किया था ताकि इसको हम जो है रिटेन कर पाएँ, इसमें जैसे डंगा लगा पाएँ या इसमें पिलर लगाना है, जो भी इसमें करना है वो कर सके। लेकिन आप जानते हैं कि वहाँ पर एक नया प्रपोजल आया है, अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वहाँ प्रतिमा लगनी है, आप सबको जानकारी है, तो उसके लिए वहाँ का पहले स्टाटा जो है चेक किया गया है और जियोलॉजी की जो रिपोर्ट होती है वो भी आई है। उन्होंने कहा है कि 5 मीटर नीचे जो है पक्का स्टाटा है, उसके बाद जब तक नीचे नहीं जाएंगे पूरा तब तक हम लोग काम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको 5 मीटर नीचे जाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग जो वहाँ पे पिलर या जो भी कुछ हमको देना रिटेनिंग वॉल देनी है तब हम लोग जो शुरू कर सकते हैं। तो वहाँ पर सारा जो है प्लान तैयार हो चुका है और उसके लिए जो है हमको जो है गवर्नमेंट से परमिशन भी मिल गई है और हमने अब उसके लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया है, जो कि हम स्मार्ट सिटी से है, क्योंकि उसको ब्यूटिफिकेशन भी करना है और रिटेन भी करना है, और हो सकता है जब उसको हम बढ़ाएंगे रिटेन करेंगे उसमें कुछ जगह भी निकलेगी, नीचे शॉप्स निकल सकती हैं या कुछ ऑफिस भी निकल सकते हैं, उसका भी प्रावधान हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है जल्दी अभी काम शायद शुरू भी हो चुका था, लेकिन थोड़ा बारिश की वजह से अभी काम बंद हो गया है, और मुझे लगता है जल्दी इस पर जो काम शुरू कर दिया जाएगा।